So hi guys, welcome back to the next episode of Lockdown Diaries and the next part of our vlog. तो आज की वीडियो में मैं आपको मनाली का सबसे बड़ा वाटरफॉल दैट इज सागू वाटरफॉल मड़ी दिखाने वाली हूँ. गाइस वी हैव रीच्ड मड़ी और यहाँ से ऊपर हमें लग रहा है मौसम बहुत ख़राब है, रोड भी अच्छा नहीं है और हम लोग आए स्कूटी में. तो हम लोगों ने सोचा आगे को नहीं, अब हम जाएंगे कौन सा फॉल? सागू फॉल की तरफ. वहाँ है जहाँ आपको धुंध दिख रही है. माउंटेन बाइक्स के लिए, पर इस टाइम जैसे यहाँ पे टूरिस्ट सीजन नहीं चला है, टूरिस्ट नहीं है इस बार, तो ATVs एंड ऑल वो सब भी नहीं है. तो हम चले हैं पैदल, जा रही है मम्मी. जाने के लिए ये पूरा सीधी चढ़ाई जाना पड़ेगा. अगर ये स्लिपरी नहीं हुआ तो हम जाएंगे, नहीं तो पीछे से वापस आ जाएंगे. गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं सागू वाटरफॉल और इस जगह को बहुत माना जाता है. ये एक देवता है सागू, उनकी बहुत पूजा करते हैं ये लोग. यहाँ जो हमारे मनाली टैक्सी यूनियन वाले हैं वो लोग भी आके यहाँ हर साल पूजा करते हैं, ताकि जो ये हमारा मनाली रोहतांग वाला हाईवे है इसमें एक्सीडेंट्स कम हो इसलिए. और ये मनाली में सबसे बड़ा वाटरफॉल है. देखो यहाँ कितना रास्ता, इतना खतरनाक है. यहाँ से नीचे गए तो फिर तो शायद ही मिलेंगे. तो गाइस मम्मी रुक चुकी है पीछे, क्योंकि यहाँ रास्ता था बहुत ही मतलब डेंजरस और मैं अकेली जा रही हूँ आगे. ओके Look at it, guys. Oh my God. मम्मी भी आ चुकी है और अब जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें. लेट्स होप हम सही सलामत घर पहुंच जाए. We crashed into each other's RT.
लोग जाके आए और मम्मी रास्ता गुम हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा। हम लोग अपनी जान पे खेल के वाटरफॉल के बहुत करीब जाके आए हैं इस टाइम, और आजकल बरसात का मौसम है तो पानी भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और फिलहाल मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है आप सबके लिए कि जब भी यहाँ जाए एक प्रॉपर गाइड लेके जाए, नहीं तो हम तो यहाँ के लोकल है फिर भी भटक रहे हैं, आप लोग क्या करोगे। ये नगीना एंड रवीना, थैंक यू, बाय। और इनका रवीना और निशु। तो क्या नाम है आपका? इरफान। मम्मी पापा यूसुफ कहाँ है? तो गाइस, जो हमें अभी ये बच्चे मिले थे, ये लोग हैं चारवाहे और गुजर, ये यहाँ लोअर हिमाचल से आते हैं और इधर इन टेंट्स में यहाँ पे रहते हैं, और इनका काम है यहाँ पे भेड़े या फिर गाय भैंस ये सब चराना। और इन बच्चों को देखो, हम लोग कितनी डिमांडें रखते हैं अपने आप अपने लिए, हमें फ़ोन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये। इन बच्चों को देखो, ये अपना बचपन इस तरह फूलों के बीच में, पानी के बीच में, नेचर में गुजार रहे हैं और इनकी कुछ डिमांड्स नहीं हैं। तो हम लोगों को इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपनी डिमांड्स कम कर लेनी चाहिए। ये देख लो, सो गाइस, दिस इज़ वेयर दे लिव, और वहाँ भी है एक। तो गाइस, लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पे सारे फूल दिख रहे होंगे, और इस टाइम चलते समय हमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लाइक आई कांट एक्सप्लेन। ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।